Hello and welcome to Zoom Digital Media. This is Bom Nguba. Viewers, once again, we are here at the premises of Deputy Commissioner Office covering the peaceful sit-in Dana by Likabli Anti-Corruption against the MLA Cardonigor. According to them, Honorable MLA has misused the Social and Infrastructure Development Fund. Viewers, be with us to watch the Dharna. Anti-corruption! Go away! Step down! Cardonigor! Step down! Cardonigor! हमारे पूज्य स्थल मलनीथान में 2.5 करोड़ का सरकार ने सैंक्शन किया था, तो उस पैसे को फर्जी फार्म बना के हमारे सिटिंग MLA कार्डोनिगर साहब जी ने अपना ही फर्जी फार्म में ले करके पैसा को घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है। मैं ऐसा करप्टेड लीडर कार्डोनिगर को आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अपना मूर्ति में इतना लगाया हुआ है, 50 लाख का MLA लेट्स फंड बोल के वो झूठ बोल रहे हैं। और हमारा गवर्नमेंट को भी मैं अप्रोच करता हूँ, इससे विधायक को, इससे MLA को दोबारा विधायक नहीं बनाए। पेक पंप बना के करोड़ों रुपया गवर्नमेंट के पैसा को वो खा चुका है। जितेन जितेन तो शिविर रुते में BWD के अंदर में 2.5 करोड़ खा चुका है। कल भी हमने देखा कि DC ऑफिस के ये बाहर एक धरना हुआ कंकू सर्कल के रोड को लेकर, और आज फिर अचानक हमने देखा कि फिर आज भी यहाँ फिर आप लोग फिर धरना बिठा रहे। सर, लिकाबली में ऐसा क्या चीज़ हो गया, जो क्या इनजस्टिस हो गया जो यहाँ पर धरना भेजने पर है, तो इस चीज़ को लेकर आप डिटेल में जरा हमें बता दीजिए। जी, आपके सवालों को जवाब देने से पहले मैं कुछ लोगों का जवाब देना चाहता हूँ। रातों रात एंटी करप्शन फोरम को जो रातों रात बनाया है, जिसने कहा है और जिन्होंने हमें पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहा है, उन लोगों के लिए मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। पहले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजामि हम परित्राणाय साधुना विनाशाय चतुष्कृतम धर्म संस्थापनाय संभवानी युगे युगे। इसमें गीता का श्लोक है, इसमें कहा गया है जब जब इस धरती पर अधर्म पाप भ्रष्टाचार बढ़ने लगता है, तब तब इस धरती पर भगवान आकर जन्म अवतरित कर अवतार लेते हैं। तो उसी प्रकार से हम लिकाबली एंटी करप्शन फोरम, जब तक हमारे लिकाबली में करप्शन चलते रहेगा तब तक हम जैसे लोग जन्म लेते रहेगा, यह आप लोगों के लिए संदेश है। दूसरा, मैं जूम डिजिटल मीडिया को लिकाबली एंटी करप्शन फोरम के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमें माध्यम दिया अपने मुद्दों को, अपने बातों को, अपने दुखों को लोगों तक व्यक्त करने के लिए आपने इस मौका को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जैसे सवाल किया है उसका जवाब है कि आजकल देखिए लिकाबली में हर कोई आना जाना कर रहा है, सब देख रहा है, अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि रास्ता कैसा है और ब्रिज कैसे बन रहे हैं, कलवर्ट कैसे बन रहे हैं, सभी देख रहे हैं लेकिन आग मूंद के बैठे हुए हैं। तो कल भी उसी प्रकार से लिकाबली तो दुरुपाय का जो PMJSY का मुद्दा था वो भी बहुत ही सही था, उसको भी हम सपोर्ट करते हैं, अच्छा मुद्दा है कि रास्ता तो बहुत ही ख़राब है, हमने भी देखा है। तो हम आज के अपने मुद्दे के विषय में बात करते हैं कि आज हमारा जो आप लोगों को बताना यह है कि हमने पहले एक प्रेस ब्रीफिंग दिया था, उस प्रेस ब्रीफिंग में हमने 25 तारीख का टाइम लिया था जो जा चुका है महीना, पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के वजह से हम वो धरना को नहीं कर पाए, पर आज हम लोगों को परमिशन मिला है तो आज मौका मिला है आप लोगों के सामने फिर आने के लिए। तो मैं तेगुम चिशी लिकाबली एंटी करप्शन फोरम के जनरल सेक्रेटरी, हम 3 मुद्दों पर बात करने आए हैं कि हमारे पूज्य स्थल मलनीथान में 2.5 करोड़ का सरकार ने सैंक्शन किया था, तो उस पैसे को फर्जी फार्म बना के हमारे सिटिंग MLA कार्डोनिगर साहब जी ने अपना ही फर्जी फार्म में ले करके पैसा को घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है। दूसरा पॉइंट है 1.20 करोड़ रुपया 40-40 लाख का पैकेज
SIGF कप्पान को चिकू रिजू सोई में अपने निजी स्थल पर इन्वेस्टमेंट किया है, अपने प्रॉपर्टीज को संवारने के लिए खर्च किया है, उसके लिए हम आज आवाज उठाएंगे। तीसरा है दीतेंतु शिविरित रास्ता, जो कि अभी तक टेंडर हुआ नहीं है, पर उन्होंने वहां पर काम स्टार्ट कर दिया है, जो कि बहुत ही इलीगल है, ये कानून को तोड़ने का बराबर है, ये कानून के खिलाफ है। तो आज उसी तीन मुद्दों को लेकर हम यहां पर धरना बैठ रहे हैं और लोग जो जितना भी जमा हुआ है इसी धरना को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और ऐसे कामों को, भ्रष्टाचार को खारिज कर रहे हैं। और हमारा डिमांड यह है कि जो भी पैसा अब तक वो अपने जेब में भर चुका है अनैतिक तरीकों से, उन पैसों को सरकारी खजाना में वापस करें, यानी कि गवर्नमेंट एक्सचेकर में वापस करें। दूसरा हम लोग का डिमांड है कि जब तक टेंडर ओपन नहीं होता है, लीगली नहीं होता है और जो काम हुआ है उसमें सरकार जो है टेंडर जब तक अच्छा से नहीं होता है, लीगली नहीं होता है, तो पैसा देना नहीं है। तो ये आज हम लोग का लिकाबाली एंटी करप्शन का डिमांड और मांग है और हम लोग का आज धरना बैठने का ये है। बाकी अभी जो बातचीत एक दो बात करना है वो हमारे साथी लोग बात करेंगे, तो उनसे भी आप उनका भी राय ले लीजिए। धन्यवाद, और बाद में एक दो शब्द मैं फिर दोबारा बोलूँगा। हम सभी लोग जानता है कि DPR बिना DPR में दीतंतु शिविर काम को वो ऑलरेडी कर चुका है, करने का बाद बिना इंजीनियर में, बिना इंजीनियर का सलाह में, एडवाइस में वो दीतंतु शिविर रास्ता को बना के खत्म कर चुका है। वो कौन सा नियम है इस दुनिया में हम सुना ही नहीं है, बिना DPR में और बिना इंजीनियर का एडवाइस में रास्ता को कौन करता है इस दुनिया में, हम नहीं सुना है। कार्डो न्यूयॉर्क, ओनली कार्डो न्यूयॉर्क वो तानाशाही का काम कर रहा है, उसको बिना ऑफिसर का, बिना इंजीनियर का एडवाइस में काम कर चुका है वो विदाउट टेंडर। उसका बाद क्या क्या है वो ऑर्डर करके, ऑफिसर लोग को ऑर्डर करके काम को कर चुके, ऑलरेडी करके खत्म करके बाद में टेंडर कर रहा है। कौन दुनिया में सुना है, कौन सा दुनिया में ऐसा सुना है कि काम का बाद में, काम करने का बाद टेंडर होता है बोल के, ये दुनिया में नहीं सुना है। ये कर दो न्यूयॉर्क का तानाशाही काम है, इसीलिए कर दो न्यूयॉर्क जल्दी स्टेप डाउन करना है, उसका कुर्सी चोरना है, यही मेरा कहना है। हाँ देखिए, आज का डेट में हमारा इतना अच्छा CM पेमा खांडू जी का समय में, इतना अच्छा हमारा किरण रिजिजू जी का समय में, इतना अच्छा स्टेट प्रेसिडेंट वयराम बागा जी का समय में, ऐसा कॉरप्टेड लीडर कार्डो निग्योर को आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अपना मूर्ति में इतना लगाया हुआ है, 50 लाख का MLA फंड बोल के वो झूठ बोल रहे हैं, MLA फंड नहीं बोलता है, अपना मूर्ति बना के रह रहा है। और दीतेंतु शिविर का रास्ता देखिए, और दीतेंतु तांगों का बीच में एक और रास्ता है 7 किलोमीटर, ऐसे जूद मूद बना के रखा है, ना वहाँ कोई इंसान रहता है ना आदमी रहता है, हम लोग को तो पता नहीं, ऐसे ऐसे अपना मर्जी में गवर्नमेंट पैसा खर्चा कर रहा है। हमारा अच्छा नेता CM इसको क्यों एक्शन नहीं ले रहा है? हमारे किरण रिजिजू साहब कर दो न्यूयॉर्क एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? इसको अभी तक क्यों MLA बना के रखा हुआ है? वो स्टेप डाउन जल्दी कर रहे हैं कर दो न्यूयॉर्क, ऐसा नहीं चलेगा, उसका मन मर्जी है। जुम डिजिटली मीडिया को थैंक यू, क्योंकि कवरेज करने के लिए मैं भी कुछ वक्त रखना चाहता हूँ। स्पेशली मैं लिखावाली एंटी करप्शन फोरम को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये आज का मुद्दा ये सब 28 लिखावाली जनता को जागरूक करने के लिए, जानने के लिए, और अभी का विधायक का जो फंड का मिस यूज किया है, स्कीम को मिस यूज किया है, स्टेट गवर्नमेंट का जो दिया होला उसको सब 28 लिखावाली को जानने के लिए आज यहाँ धरना दिया और सब जान लिया, क्योंकि ये MLA का जो स्कीम जितना भी लाया है वो अपना सेल्फिश, अपना खुद काम कर रहा है, क्योंकि SIGF को देखिए, अपना लैंड में, अपना जमीन पर वो बाउंड्री वॉल क्या है, कलवर्ट क्या है, अप्रोच रेट क्या है, वो जो उसका अपना
उधर नहीं लगा के बस्ती में देने से क्या होता। बस्ती इतना हम लोग का टेंटेड लिखा वाले इतना बिचरा फुरा है दूसरा कंस्टिट्यूंसी को ये करने से तुलना में, इसीलिए मैं मलुक का विधायक को भी मैं इस मीडिया का द्वारा और हमारा गवर्नमेंट का गवर्नमेंट को भी मैं अप्रोच करता हूँ ऐसे विधायक को ऐसे MLA को दोबारा विधायक नहीं बनना है और CM और किरण भी एक्शन लेना है, ये बात है मेरा। थैंक यू। और सबसे पहले मेरा नाम लियोम ताजू, LSAF का ये प्रेसिडेंट है और उसके बाद मैं जुम डिजिटल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आज का धरना को कवरेज कर दिया और साथ ही साथ लिकावली का आवाम को भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम उतना तक आएगा बोल के आदमी हमको कोई एक्सपेक्ट नहीं था, मेरे एक्सपेक्ट से बाहर आज गैदरिंग हुआ है। तो ये सब आदमी को लोगों को देख के हम बहुत खुश हूँ और हमको शक्ति मिल रहा है। ये अभी सीधा मैं पॉइंट पे आ जाता हूँ। MSKGNF फार्म का पैक फार्म क्यों कहा जाता है और उसको किस लिए ये सिस्टम से कहने से उसको किस लिए उसको पैक फार्म कहा जाता है, क्योंकि उसमें एपिडेविट स्वेयरिंग में हम लोग को मिला गया है कि ये गजर न्यूयॉर्क प्रोप्रिएटर है। एफिडेविट स्वेयरिंग में वो ऑलरेडी यहाँ लिख के रखा है, वो कसम भी खाया है। ये लिकावली गेंसी डिवीजन PWD डिवीजन में मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है बोल के यहाँ में गलत स्वेयरिंग किया है, जबकि उसका बेटा दोगे न्यूयॉर्क लिकावली साफ डिवीजन PWD में एक का पोस्ट में बेटा हुआ था और उसके उसका बीवी कार्पी गेय न्यूयॉर्क वो जूनियर इंजीनियर में था, जबकि वो ये फार्म बनाते समय में वो दोनों खुद सिलेक्शन बोर्ड मेंबर में था। तो उसको किस लिए वो ये फार्म को ऐसे सरकार को मजिस्ट्रेट को वो लूट के चीटिंग करके उसको फार्म को बनाया गया है, इसलिए ये सारा आवाम उसको जानना जरूरी है क्योंकि ये फार्म बना के फेक फार्म बना के करोड़ों रुपया गवर्नमेंट का पैसा को वो खा चुका है। दीतेन तो शिविर में PWD के अंदर में 2,50,00,000 खा चुका है ये फार्म से और ये मालिनी टाउन ग्राउंड में 2,50,00,000 खा चुका है। उसके बाद हम लोग जबकि हम लोग पीछा करना शुरू किया तब जाके ये फार्म को रातों रात तब जाके ऑनरेबल MLA कार्दो न्यूगी और उसको मेरा बदन मेरा सेहत ठीक नहीं है बोल के जूद मुद में वो सरेंडर कर चुका है। इसलिए हम लोग कहता है कि ये पेक फार्म है, पेक फार्म से गवर्नमेंट से जितना रुपया काया है वो पैसा को गवर्नमेंट एक्स एकर में वापस दे दो। हम लोग जब उधर में ईटानगर अरुणाचल प्रेस ये में प्रेस क्लब में भी यही मांग रखा था और अरुण मोबी में भी यही मांग रखा था हम लोग का LSA लिकावली एंटी करप्शन फोरम का, तो अल्टीमेटम दिया था जब तक ये फेब्रुवरी 25 तारीख तक दिया था तब तक हमारा सेक्रेटरी ने कहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये धरना को भी हम लोग समय पे करने नहीं मिला, आज इसलिए ये कंधा कर रहे। बहुत धन्यवाद। ओके, अगेन थैंक यू जूम डिजिटल मीडिया को। मेरा बात यह है कि मतलब हमारा प्रेस ब्रीफिंग के बाद हमारे ऑनरेबल MLA कार्दो न्यूयॉर्क साहब ने भी एक प्रेस ब्रीफिंग दिया था, तो उस प्रेस ब्रीफिंग में भी उन्होंने साफ झूठ बोला है और दर्शक भी इतने मूर्ख नहीं है कि मतलब उसका झूठ को नहीं पकड़ सके। उन्होंने कहा कि मेरा फार्म एग्जिस्टिंग है, कब से एग्जिस्टिंग है आपने बताया नहीं है ना, और आपका जो स्वेयरिंग क्या है कि मेरा किन्स एंड किड्स यहाँ डिपार्टमेंट में एंगेज नहीं है, तो आपका स्वेयरिंग में तो आप तो लिखा हुआ है कि ऐसे नहीं है पर यहाँ पर था, सभी को मालूम है आपका बेटा
इंजीनियर दोगेनजीर जी और आपके बहू इंजीनियर करपी गई जो थी यहाँ में कार्यरत थे आपको मालूम है। तो इस प्रकार से और आपने कहा कि मतलब ये फार्म जो है हमको मालूम नहीं था, मेरे धर्मपत्नी के नाम पर हमको मालूम नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक एमएलए एक कॉन्स्टिट्यूंसी को चलाने वाले अपने घर के विषय में ना जाने, ऐसे आप झूठ मत बोलिएगा, ये जनता को गुमराह मत कीजिए आप। तो हम लोग का डिमांड ये है, आज जो मंदिर में भ्रष्टाचार हुआ है या धार्मिक शब्दों में कहूँ कि पाप हुआ है, वो पैसा को आप सरकारी खजाना में वापस करें, गवर्नमेंट एक्सचेकर में डिपॉजिट करें और ऑथोरिटीज से भी आरडब्ल्यूडी ऑथोरिटीज को भी अपील है कि जब तक टेंडर ओपन नहीं होता है वह काम चलने ना दें और जो पैसा है उसको आप रिलीज ना करें। ये और एक बात है, जब तक हमारी मांग आप सरेंडर नहीं करते हैं, आप जमा नहीं करेंगे या हायर ऑथोरिटी इसके विषय में आप नहीं देखेंगे तो ये धरना चलता रहेगा। इसे भी बड़ा धरना हम कंडक्ट करेंगे और जरूरत पड़ने पर हम ईटानगर कैपिटल में भी मार्च करेंगे। ये आज सभी हायर ऑथोरिटी से भी आग्रह है और एमएलए कार्डो न्यूयॉर्क से भी आग्रह है, हमारे डिमांड को जल्द से जल्द इस 10-15 दिन में दिखा दिया जाए। थैंक यू सो मच। Dear viewers, as you have watched the protest, during the protest we could hear slogans like step down kursi choro, hi hi and murti men khardonigyor. As a whole, according to the protester, they want MLA to leave his power as an MLA. Signing off from premises of DC office with camera person Roshan Kako, this is Bom Mubah.